नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय पांडे, स्वागत है आपका स्टूडियो आर में। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, मतलब RRB PO और RRB क्लर्क के लिए, मेंस के लिए। और देखिए, कंप्यूटर को आप अंडरएस्टिमेट मत करिए, क्योंकि कंप्यूटर इसकी देखो, एक तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, हाई जाती है, और इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो ये आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब इसमें स्कोरिंग ये टॉपिक भी है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कितना चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, और जितनी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चन के रिपीटेशंस बहुत आती है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तो आप जितने ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जहाँ से मतलब आपको मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, केवल बुक से पढ़ना है या कहीं आप एक्स्ट्रा में मतलब मटेरियल ले सकते हो वहाँ से, तो इस वीडियो में मैं पूरा इस बारे में बात करूँगा। तो अगर आप अभी तक कंप्यूटर को ज़्यादा अभी आप नहीं दे रहे टाइम, तो आज से टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर वो सब्जेक्ट है जो आपकी सिलेक्शन को रोक भी सकता है, भले आपके मैथ्स, रीजनिंग या GA किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हों तो भी, क्योंकि सेक्शनल कटअप से कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो मैं करता हूँ कि कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो हिस्ट्री एंड जनरेशंस का है, कि मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी और उसके जो जितने भी जनरेशन से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें क्या यूज़ होता था, या सेकंड जनरेशन कब में क्या यूज़ होता था, या IC किस में किस जनरेशन में यूज़ होता था। तो मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हिस्ट्री और जनरेशन तो आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हार्डवेयर है, हार्डवेयर से रिलेटेड तो जितनी भी है इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेज जितनी भी हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होगी। और इसमें जो एक सब टॉपिक है आपका मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक। तो मेमोरी आप पूरा कायदे से पढ़ लीजिएगा कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल, मतलब पूरी जो जितनी भी चीज़ें हैं आप ये मेमोरी, मतलब हार्डवेयर में भी मेमोरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डवेयर में। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और एप्लीकेशन में बात किया जाए तो MS Office, जो MS Office में जितनी भी चीज़ें हैं, आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद होगी नेटवर्किंग और इंटरनेट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस ये टॉपिक है आपके में। फिर बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की, फाइल एक्सटेंशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, .exe किस में होता है, कोई सेटअप लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका, मतलब कई चीज़ें होती हैं जो हमें डायरेक्ट पूछ देते हैं, या फुल फॉर्म पूछ देते हैं डायरेक्ट कि इसकी फुल फॉर्म बताओ आप, .STTP, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटेंशन आपको पढ़नी होगी, एब्रीवेशन आपको पढ़ने, एब्रीवेशन से क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, तो एब्रीवेशन आपको सारी याद होनी चाहिए, एब्रीवेशन और एक्सटेंशन तो आपको पूरी पूरी याद हो, ठीक है। और हो सके मैं इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा एब्रीवेशन और एक्सटेंशन पे। और शॉर्टकट कीज़ अगर आपको, अगर देखो आपके पास टाइम है तो शॉर्टकट कीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा, तो कुछ शॉर्टकट कीज़ भी पूछते हैं, ठीक। तो ये तो आपका कंप्यूटर का मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इतना सिलेबस है, आपको इतना इतना पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत जो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये समझिए ये चीज़ पढ़नी कहाँ से आपको, ठीक। तो अब ये समझिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल जो आता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए पूरा, जितना मतलब एक दो बार प्रैक्टिस, एक दो बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, तो उससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। या तो स्टडी नोट्स, महिंद्रा गुरु वेबसाइट पे स्टडी नोट्स मिलते हैं, आप स्टडी नोट्स बस सर्च कर लीजिएगा, स्टडी नोट्स महिंद्रा गुरु, तो उसमें क्वेश्चंस के भी स्टडी नोट्स हैं और टॉपिक्स के भी हैं, कि मतलब MS Office पे या बेसिक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी कुछ मटेरियल है अच्छा खासा, तो आप उसे ही पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है आपके पास ऑप्शन है, आपने अगर कहीं से कोचिंग कर रखी होगी ऑफलाइन, तो हो सकता है उसका मटेरियल आपके पास हो कंप्यूटर के, अगर बैंकिंग के आपने प्रिपरेशन करी है किसी से, अगर करी है तो वो कंप्यूटर की बुक सही होगी, उससे आप प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत ऐसा नहीं कि इसमें अच्छी है इसमें बुरी, सब एक ही चीज़ है अधिकतर, बस लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर होता है। और या तो आप कोई मार्केट में जो बुक अच्छी है, ऑथेंटिक बुक है,
तो आप उसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक आपके पास मटेरियल होना चाहिए जिसमें आप बेसिक खाली पढ़ लें, क्योंकि तैयारी आपकी इससे नहीं होगी पूरी, आपकी तैयारी होगी प्रैक्टिस से। तो मेन जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन उतने, आपको बस एक बार इंट्रोडक्शन लेना है, एक बार आपको पढ़ना है कि हाँ ये चीज़ होती है, आप थोड़ा सा बेसिक आपके पास नॉलेज हो जाए। उसके बाद आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतने ज़्यादा ही आपको याद होते हुए चलेंगे। तो अब ये समझिए प्रैक्टिस कहाँ से आनी है, तो प्रैक्टिस के मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, और आपको डेली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके। मतलब अगर आप जैसे एक टाइम दे दीजिए कि मतलब मुझे आधे घंटे मुझे क्विज़ करनी है कंप्यूटर की, और मैं चाहे जितने भी क्वेश्चन हो मैं कंप्यूटर की क्विज़ करूँगा, तो आप ये थोड़ा डेडिकेशन के साथ और पर डे करें। तो देखिए सबसे पहला जो सोर्स है वो तो है अड्डा 247 पर डे। तो अभी तो क्विज़ नहीं आ रही, लेकिन इसकी पुरानी क्विज़ कई हैं, तो आप केवल कुछ मत करना, बस उसमें जो सेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट्स वाइज, तो आप उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस में जाना। कंप्यूटर अवेयरनेस में जितने भी हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के भी हैं, SBI PO NABARD, अलग अलग एग्ज़ाम्स के कई मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस के मतलब क्विज़ होंगे, 15 15 क्वेश्चन 7 8 मिनट के। तो आप उन क्विज़ को, सारे क्विज़ को जितना ज़्यादा ज़्यादा आप मैक्सिमम दे सकते हैं सारे क्विज़ को दीजिए। और एक चीज़ जरूर करिएगा, देखिए क्विज़ दीजिए तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए या जो क्वेश्चंस आपसे नहीं है, तो उन क्वेश्चन को बुकमार्क जरूर करना। बुकमार्क जो है वो करने से होगा क्या, आप जब रिवाइज़ करेंगे तो आप केवल बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो आपको नहीं है उन्हें बुकमार्क जरूर करिएगा। अब उसके बाद करते हैं दूसरे ऐप जो है वो ग्रेडअप ऐप है। ग्रेडअप पे भी क्विज़ निकलती रहती है डेली, और ग्रेडअप पे थोड़ा सा एक बहुत अच्छा चीज़ है कि ग्रेडअप पे जैसे कोई क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन में आप जब जब उसको देखेंगे तो उसमें एक वो ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि एक तो वो टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी अगर आपने देखा कि मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए और मान लीजिए तीनों MS ऑफिस टॉपिक से हैं, तो आप समझ लीजिए MS ऑफिस आपका वीक है। MS ऑफिस एक बार बेसिक से फिर से पढ़ लीजिए, और वो लेवल बताता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये मीडियम था कि हार्ड लेवल क्वेश्चन था, ये बहुत ही ईजी था आपसे गलत हुआ, ठीक आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे चल रहा है। और तीसरा जो है वो बताते हैं कि कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन को मतलब सही जवाब दिया। तो ये सब थोड़े से पैरामीटर्स हैं वो अच्छा लगता है, अगर आपको पता चलता थोड़ा सा एनालाइज आप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन किस टाइप का था। तो ग्रेडअप क्विज़ पे आप दोनों, इन दोनों ही क्विज़ आप दीजिए, मतलब डेली बेसिस पे जितने क्विज़ दे सकते हैं दे दीजिए पूरी, जितना भी जा सकते हैं, मतलब जितना भी आपके, मैं वही कहूँगा बुकमार्क जरूर करिए क्वेश्चन, जितना बुकमार्क करेंगे आप उतना ही रिवाइज़ कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक। और थर्ड जो है स्टडी नोट्स ही है महिंद्रा गुरु पे, उसमें क्वेश्चंस वाले पूरी PDF है, लगभग 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस और जो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन, तो 2 3 PDFs हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी लगभग होंगे 400 500 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको भी रिवाइज़ कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये पूरा आपका मटेरियल रहा, यहाँ से आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और कंप्यूटर में अगर कोई किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही हो या कोई आपको लगता है कि सर इस चीज़ के लिए बताइए, तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।